हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थी है वो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। जो पेपर रद्द हो चुका है आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1-5 और 6-8 का, तथा 9 और 10 और वर्ग 11 और 12, जिसकी आपकी जो डेट है वो घोषित होनी है। सबसे पहले अभ्यर्थियों को जो इंतजार है वो परीक्षा तिथि का, कि परीक्षा कब होगी। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको परीक्षा तिथि के बारे में बताएं कि परीक्षा तिथि है, आपकी परीक्षा कब कंडक्ट कराई जा सकती है। जो परीक्षा है वो अब आपकी लोकसभा चुनाव के बाद होगी, बेफिक्र रहे, अब परीक्षा बीच में होने की कोई भी संभावना नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है आचार संहिता, बड़ा कारण नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव के बीच में परीक्षा हो सकती है, लेकिन बीपीएससी चुनाव के बीच में परीक्षा कराकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि परीक्षा की जो स्वच्छता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो परीक्षा है आपकी लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। जून मंथ में आपके परीक्षा होने की संभावना सबसे अधिक प्रबल है। परीक्षा आपकी जून महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, इसकी सबसे अधिक संभावना है। परीक्षा जून से पहले कंडक्ट कराना बीपीएससी के लिए यहाँ पर आसान नहीं दिखाई दे रहा है। बीपीएससी चाहकर भी जून से पहले परीक्षा नहीं कराएगा, क्योंकि उसमें परीक्षा की स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस प्रकार परीक्षा पेपर लीक हुआ है उसे देखते हुए आपकी परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो परीक्षा के बारे में आप बेफिक्र रहें, परीक्षा आपकी लोकसभा चुनाव के बाद होगी। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश की बात करें तो देखिए, जब परीक्षा डिले हो जाती है, जब परीक्षा डिले हो जाती है या फिर परीक्षा तिथि आगे बढ़ जाती है, तो अभ्यर्थी रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए यही एक महत्वपूर्ण संदेश है, सबसे बड़ा, कि आपको रिलैक्स मोड में नहीं आना है, क्योंकि जब आप रिलैक्स मोड में आएंगे तो दूसरा अभ्यर्थी तैयारी कर रहा होगा, आप वहाँ पर पिछड़ जाएंगे। तो आपको बीपीएससी टीआरई 3.0, एक तरीके से टीआरई 3.0 मानकर ही तैयारी नहीं करनी है, अब आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आपको कंटिन्यूस दिखाई देगा। लगातार आपको ये दोनों भर्तियां हैं वो कंडक्ट कराई जाएंगी। टीआरई 3.0 के तुरंत बाद टीआरई 4.0 कंडक्ट कराई जानी है। तो इसलिए अभ्यर्थी एक तरीके से टीआरई 3.0 ही ना, टीआरई 4.0 भी मानकर अपनी तैयारी को जारी रखें। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि तैयारी को किस तरह बेहतरीन रूप से करें, किस तरीके से बेहतरीन रूप से अपनी तैयारी को जारी रखें। देखिए, जिस प्रकार से परीक्षा तिथि 1-5 और 6-8 की बात करें, परीक्षा कैंसिल हुई है तो सभी अभ्यर्थी पहले से ही लगभग परीक्षा की तैयारी कर चुके थे, और बात करें हम 9th और 10th, 11th और 12th की, तो वो भी परीक्षा स्थगित हुई है, जो कि 5 अप्रैल को एक संभावना थी, वो परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई थी, तो सभी अभ्यर्थी उसके लिए भी पूर्ण रूप से तैयार थे। तो देखिए, आपका सिलेबस तो आपने, उम्मीद है सभी ने कंप्लीट कर ही लिया होगा, लेकिन आपको सिलेबस के साथ साथ जो भी सिलेबस हो चाहे उसे आप कंप्लीट कर लें, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट सबसे अधिक, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाएं अधिक से अधिक। और प्रैक्टिस जब करें तो वहाँ पर आप देखेंगे जो आपका वीक पॉइंट हो, जो जिस पॉइंट पर आपके मार्क्स कम बने हो, जो सेक्शन आपका हो सिलेबस में, उस वीक पॉइंट को देखते हुए उस पर अधिक से अधिक वर्क करें, साथ में आप रिवीजन भी करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको अब अधिक से अधिक आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो प्रैक्टिस पर करना है। बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आपकी भर्ती टीआरई 3.0 के तुरंत बाद देखने को मिलेगी। टीआरई 4.0 भी एक बड़ी भर्ती होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।